नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण जय जय श्री राधे। आज हम आपके समक्ष एक ऐसे मंत्र की जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि कई लोगों की किस्मत को पलट देगा। हर तंत्र की काट, हर मंत्र की काट है। सुख समृद्धि ऐश्वर्य वैभव प्रदान करने वाला तो है ही। इसके अलावा इस मंत्र की ये खासियत है कि इसको नित्य सुनने वाले, धूप हवन दीप करने वाले को काव्य कला की शक्ति भी प्राप्त होती है और उसके मुख से निकला हर शब्द कविता बन जाता है। दूसरा, इसमें लक्ष्मी के तेज आकर्षण की भी क्षमता है और तीसरा, शत्रुओं के हृदय को फाड़ देने, बहला देने की भी क्षमता है। यह मंत्र है माँ महाकाली का मंत्र। महाकाली के जिस मंत्र की जानकारी या उच्चारण हम यहाँ इस फिल्म में करने जा रहे हैं, यह एक विस्तृत और संपूर्ण मंत्र है। इसमें ध्यान रखने की बात यह है, चूंकि मैंने इसकी साधना की है और माँ के खुद के आदेश से इस मंत्र की साधना की, ऐसा सपने में माँ ने आदेश दिया था कि मुझे ये करना है, उसके अनुसार मैंने इसको किया और उसी के अनुसार मैंने इसको जो भी सिद्ध किया या साधना की। लेकिन आप लोग जो सुन रहे हैं उसको केवल सुने और सुनकर ही इसका लाभ उठाएं, खुद उच्चारण करने की जहमत न उठाएं और खुद इसका कतई उच्चारण न करें, क्योंकि ये काली का मंत्र है। और माँ काली के बारे में एक विशेषता है, एक बात है जो तंत्र शास्त्र में बड़ी विख्यात है कि माँ काली सबकी काट है, लेकिन काली की कोई काट नहीं है। माँ काली सबकी काट है लेकिन काली की कोई काट नहीं है संसार में, इतना याद रखें, क्योंकि इससे ऊपर जो एक देवी है वो है योगेश्वरी योग माया, जो कि दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय जो शुरू होता है तो वो योग माया से होता है, उसके बाद काली प्रकट होती, काली की शक्ति प्रकट होती है। तो इससे ऊपर सिर्फ योग माया योगेश्वरी की शक्ति है और माँ महाकाली के मंत्रों की या माँ महाकाली की कहीं भी संसार में कोई भी काट नहीं है, चाहे मुसलमानी मंत्रों, इस्लामी मंत्रों, चाहे बौद्ध मंत्रों, चाहे जैन मंत्रों, या कोई भी, कोई संसार में इसकी काट है नहीं। इसीलिए महाविद्याओं में इन्हें प्रथम दर्जा प्राप्त है, इन्हें प्रथम महाविद्या कहा जाता है माँ काली को। तो इतना स्मरण रखें कि काली सबकी काट है और काली की काट कोई नहीं है। हम यहाँ महाकाली के जो संपूर्ण मंत्र उसका उच्चारण कर रहे हैं। तो ये हर मंत्र का, हर तंत्र का, जो भी आप पे किया करा हो या कोई भी आप पे कुछ भी कैसा भी कोई करे, वो इससे केवल निष्फल ही नहीं हो जाएगा बल्कि 64 गुनी पलट जाती है इससे। तो 64 गुनी पलट का मतलब बहुत गहरा होता है, क्योंकि जब 4 गुनी, 8 गुनी, 16 गुनी और 32 गुनी पलट जब तक जाती है, उसी में अच्छे अच्छे ढेर हो जाते हैं। क्योंकि काली का जो उपचार है वो 64 उपचार है और देवी देवताओं के 16 उपचार तक मामले निबट जाते हैं, लेकिन माँ काली के 64 उपचारों से इनकी पूजा की जाती है, 64 उपचारों से इनका हवन किया जाता है और 64 ही उपचारों से इनका साधना की जाती है। माँ काली की साधना दोनों प्रकार से होती है, दक्षिण मार्गी पद्धति से भी और वाम मार्गी पद्धति से भी। तो जो दक्षिण मार्गी साधक हैं वो इसे दक्षिण मार्गी तरीके से अपना, जब ये मंत्रोच्चारण चले, आप इसके फिल्म के डाउनलोड कर लें, मैं जितने भी मंत्र का उच्चारण करूंगा आप उतने की मल्टीपल कर लें, उतने गुणा में
उसको डाउनलोड करके रखें, उतने मंत्र बजाएं कि 108 हो जाए, क्योंकि मैं यहाँ 108 मंत्रों का उच्चारण करने नहीं जा रहा हूँ। और दूसरी, जो लोग माँ काली की साधना करना चाहते हैं वो हमेशा ही, अगर दक्षिण मार्ग ही है तो दक्षिण मार्ग का जो सर्वोत्तम गुरु हो उससे संपर्क है, उसके सानिध्य के बगैर और ये मंत्र साधना या माँ काली की साधना कतई ना करें। इसी तरह अगर वाम मार्गी हैं तो वाम मार्गी का कोई उत्तम गुरु हो, उचित गुरु हो, उसको तलाशें और उसके सानिध्य में रहकर, संपर्क में रहकर माँ काली की साधना करें, अपने मन से कतई ना करें, क्योंकि यह तय है कि इसमें फिर नुकसान होगा तो बहुत तगड़ा होगा, फिर जिसकी कोई भी पलट काट या उपचार संभव नहीं होगा। इसलिए माँ काली के बारे में ये कुछ खास बातें थी। दूसरी, माँ काली का दिन जो है अमावस है, अमावस माँ काली का दिन है और वार के हिसाब से माँ काली के सातों दिन है। माँ काली की जब आरती सुनेंगे आप तो आरती में ही आता है कि मंगल की सेवा सुन मेरी देवा, हाथ जोड़ सब तेरे द्वार, तो उसमें सभी वारों का नाम लिया जाता है, किस वार को क्या उपचार है और क्या करती माँ, कैसा रूप बदलती, उस आरती में सब वर्णित है। तो माँ काली की जो आरती है, मंगल की सेवा सुन मेरी देवा, ये आपको पूरे मंत्र जाप के बाद में अवश्य सुनना चाहिए। ये आरती हम यहाँ इस फिल्म में दे रहे हैं, ये पूरे यूट्यूब पर कहीं भी किसी के द्वारा भी गाई हुई मिल जाएगी। तो अब हम इस मंत्र का उच्चारण करके बता रहे हैं, इसे आप सुने और केवल सुने, बजाते रहें, सुनते रहें, उसके साथ में हवन धूप दीप, ये तीनों चीजें अवश्य करें। अगर फूल बन सके तो माँ काली की एक जो सबसे प्रसिद्ध विग्रह वो है दक्षिण काली का विग्रह। ये दक्षिण काली का विग्रह किसको कहते हैं? ये दक्षिण काली का विग्रह वो होता है जहाँ पर काली माने शंकर जी के सीने पर, छाती पर लात पड़ते ही उनकी जीभ निकल गई थी, क्योंकि माँ काली का गुस्सा कैसे भी ठंडा नहीं हो रहा था, वो राक्षसों का वध करके सब मार दिए, सबका खून पी लिए, तो भी उनको उनका क्रोध नहीं ठंडा हो रहा था। और फिर वो ब्रह्मांड की या सृष्टि की जितनी भी रचनात्मक चीज़ें थी उनका नाश करने की ओर उद्दत हुई, तो देवताओं में हड़कंप मचा। तो देवताओं ने, विष्णु जी ने सलाह दी कि इनको केवल भगवान शंकर ही शांत कर सकते हैं, दूसरा कोई उपाय संसार में है नहीं। तब शंकर जी से अनुरोध किया तो शंकर जी ने समझाया तो भी नहीं मानी थी काली, गुस्सा नहीं ठंडा हो रहा था। तो फिर जाके शंकर जी खुद लेट गए थे आगे, तो काली जब एकदम से तूफान मचाती हुई आगे बढ़ी तो उनका पैर जो है शंकर जी की छाती पर पड़ा था, वहाँ उनकी जीभ निकल गई, वो वहीं की वहीं खड़ी रह गई, वहाँ वो शांत हुई हैं। तो जहाँ काली शांत हुई हैं केवल उसी विग्रह की पूजा की जाती है, उसे सौम्य काली कहते हैं। तो सौम्य काली की ही तस्वीर घर में लगाई जाती है या मंदिर में लगाई जाती है, सौम्य काली को ही पूजा जाता है। उग्र काली बहुत खतरनाक है, वो रक्त पीती हैं, इसलिए सौम्य काली वो है जहाँ शंकर जी के छाती पे उनका पैर रखा है और जीव निकली हुई है, केवल यही एक विग्रह जो पूजा जाता है। अब मंत्र का उच्चारण कर रहा हूं, ओम नमः शिवाय 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 ॐ। क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं ॐ ॐ दक्षिणकालिके, क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं ॐ ॐ स्वाहा, क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं ॐ ॐ दक्षिणकालिके, क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं ॐ ॐ स्वाहा, क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं ॐ ॐ दक्षिणकालिके, क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं ॐ ॐ स्वाहा, क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं ॐ ॐ
दक्षिण काली के क्रीम 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 रीम रीम हूं हूं स्वाहा। क्रीम 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 रीम रीम हूं हूं दक्षिण काली के क्रीम 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 रीम रीम हूं हूं स्वाहा। क्रीम 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 रीम रीम हूं हूं दक्षिण काली के क्रीम 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 रीम रीम हूं हूं स्वाहा। क्रीम 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 रीम रीम हूं हूं दक्षिण काली के क्रीम 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 रीम रीम हूं हूं स्वाहा। क्रीम 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 रीम रीम हूं हूं दक्षिण काली के क्रीम 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 रीम रीम हूं हूं स्वाहा। क्रीम 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 रीम रीम हूं हूं दक्षिण काली के क्रीम 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 रीम रीम हूं हूं स्वाहा। ये माँ का मंत्र है। ये मंत्र सब कुछ करने में सक्षम है। संसार की ऐसी कोई चीज नहीं जिसे आप इससे नहीं पा सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप नहीं प्राप्त कर सकते माँ काली के जाप से। और संसार में ऐसा कोई शत्रु विरोधी नहीं जिसका सर्वनाश काली नहीं कर सकती। मैंने जैसा पहले भी कहा था कि माँ काली सबकी काट है, सबकी पलट है, लेकिन इनकी कोई काट या पलट संसार में नहीं है। केवल वे लोग जिन्होंने योग माया का साधन किया हो, योगेश्वरी की साधना की हो, केवल वही काली के मंत्र को काबू में कर सकते हैं। अन्य कोई काली के मंत्र को काबू में नहीं कर सकता, क्योंकि माँ योग माया योगेश्वरी काली की उद्गम देवी है। योग माया योगेश्वरी में से सभी प्रकट हुई हैं। दसों माँ विद्याएं, माँ दुर्गा, ये योग माया में से प्रकट हुई हैं। माँ दुर्गा की भी जो प्राकट्य है वो माँ योग माया में से ही है। तो जो दुर्गा सप्तशती का अध्ययन करते होंगे देवी भागवत या मार्कंडेय पुराण का, उन्हें ये सब ज्ञान होंगे। और जो महत्वपूर्ण एक चीज है वो है कि कोई भी मंत्र हो एक सांस में बोला जाता है, और पूरा मंत्र एक ही सांस में पूरा होना चाहिए। दूसरी बात, स्वर नाभि से आना चाहिए। तीसरी बात, प्राणायाम और राजयोग का बहुत अच्छा अभ्यास किया हुआ हो। ये सब तो जो गुरु होंगे वो आपको बताएंगे, लेकिन ये मंत्र है, आप इसको मल्टीपल करके अपने डाउनलोड कर लें, सीडी बना लें, और हवन धूप दीप और नैवेद्य फूल जो भी हो सके माँ काली पर, जो है लाल फूल चढ़ते हैं, या फिर जो है माँ के तो वो तो इन्हें तो हर चीज स्वीकार है, तो उनके लिए तो कुछ कह नहीं सकते। और जब भी इसकी साधना वगैरह करेंगे, पूजा या हवन वैसे होता है जो अनुष्ठान वाला, तो इसमें 64 उपचार लगते हैं, इतना ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, हरि ओम। यहाँ इस फिल्म में जो चित्र आ रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी देना आवश्यक है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के चित्र इसमें फिल्म में आ रहे हैं, भैरव के आ रहे हैं और भैरवियों के आ रहे हैं और योगिनियों के आ रहे हैं। तो इस संबंध में जानकारी ये है कि भगवान श्री कृष्ण काली के अनन्य भक्त थे, और यहाँ काली को उन्होंने छल भी लिया था, तो वहीं वो काली की शरण में भी गए थे। और काली की अनन्य भक्ति करने के कारण काली उन पर विशेष प्रसन्न थी। और जब महाभारत का युद्ध हुआ तो वो सर्वप्रथम महाभारत के युद्ध के लिए जिस देवी के पास गए, और जिसकी शक्ति की महाभारत के युद्ध में आवश्यकता थी वो थी काली की। तो अर्जुन को लेकर के वो काली की शरण में गए और काली को युद्ध के लिए लेकर आए, क्योंकि काली में ही वो क्षमता थी। क्योंकि उन्हें पता था कि महाभारत के युद्ध में बहुत खून बहेगा, और ये खून सब जाएगा कहाँ, तो केवल काली में ही ये क्षमता थी कि वो सारे खून को पी सकती थी।
और वो काली की शक्ति के बगैर उस युद्ध में विजय संभव नहीं थी। हालांकि देवी ने जब अर्जुन जो है प्रार्थना करते रहे, काफ़ी समय तक ये प्रसंग आता है, तो रथ से उतर करके उन्होंने आज्ञा दी थी कि रथ से उतर करके देवी की प्रार्थना करो, तो काफ़ी समय तक जब नहीं प्रकट हुई थी, तो फिर जो है भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, तो वहाँ देवी प्रकट हुई तो वो हंसते हुए बोली कि हे अर्जुन, तुम्हारे लिए तो विजय बहुत आसान है, तुम पल में प्राप्त कर लोगे, तुम्हारे साथ तो स्वयं श्री हरि विष्णु खड़े हुए हैं, जो कि तुम्हारे रथ को हाँक भले ही रहे लेकिन युद्ध तो वो लड़ेंगे पूरा। और उन्होंने वरदान दिया कि तुम इसको क्षण भर में या पल मात्र में, इसलिए 18 ही दिन में केवल युद्ध समाप्त हो गया था महाभारत का, और उसमें 18 अवच्छिणी सेनाओं का विनाश हो गया था। दूसरी बात, यहाँ पर जो भैरव हैं, तो काली के दो पुत्र हैं, एक तो भैरव है और दूसरे हैं बजरंगबली। ये काली के दो पुत्र होते हैं, इसलिए कहीं भी कोई भी देवी का मंदिर होगा वहाँ पर ये दो मूर्तियाँ अवश्य उनके दरवाजे पर मिलेंगी, एक तो भैरव की और दूसरे बजरंगबली की, ये दोनों उनके पुत्र हैं। तो ये स्पष्ट करना यहाँ ज़रूरी था। और योगिनियाँ तो उनकी हमेशा रहती हैं, तो 64 योगिनियाँ सिर्फ काली के पास में, बाकी की जो महाविद्याएँ और हैं उनके पास, किसी के पास दो हैं या किसी के पास तीन हैं, लेकिन काली ही हैं जिनके पास 64 योगिनियाँ हैं। इतनी जानकारी यहाँ देना आवश्यक थी, वो हम यहाँ दे रहे हैं। और आपको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, और इसके साथ ही आने वाली क्वार कनागत और नवदुर्गा और दशहरा की भी शुभकामनाएं, और आने वाली दीपावली की भी शुभकामनाएं, साथ में 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस की भी आप सबको शुभकामनाएं। मैं नरेंद्र सिंह तोमर आनंद, मैंने जो ये उच्चारण किया आपने सुना। इस फिल्म के जरिए भारतवासियों को और भारत के केंद्र बिंदु मुरैना वासियों को, चंबल वासियों को, संपूर्ण देश के युवाओं को हम एक पैगाम देना चाहते हैं। हम नरेंद्र सिंह तोमर, महाभारत के योद्धा, पराक्रमी योद्धा अर्जुन के वंशज और महाभारत के अंतिम चक्रवर्ती सम्राट महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर दिल्लीपत की 23वीं पीढ़ी नरेंद्र सिंह तोमर, एक पैगाम आपको देना चाहते हैं, एक संदेश आपको देना चाहते हैं इस स्वतंत्रता दिवस की फिल्म में। और आप ये ध्यान रखिए, इंडियन पेनल कोर्ट यानी आईपीसी भले ही अंग्रेजों ने बनाई, लेकिन उसमें एक जगह पर आपके फायदे की चीज है, जान माल की रक्षा के लिए किया गया कोई भी कृत्य अपराध नहीं माना जाएगा। आपसे कोई रिश्वत मांगता है, भ्रष्टाचार करता है, यानी आपके माल पर खतरा है, तो आईपीसी कहती है जान माल की रक्षा के लिए प्राइवेट संपत्ति का अधिकार है, ये तो प्राइवेट अधिकार दिए हुए हैं उसमें, तो आप जान माल की रक्षा के लिए कोई भी कृत्य करते हैं वो अपराध नहीं है, अपराध नहीं माना जाएगा। तो आपसे रिश्वत मांगता है यानी आपसे माल मांगता है, आपके माल पे खतरा है, पैसे पे खतरा है, संपत्ति पे खतरा है, रिश्वत के एवज में कोई गिफ्ट मांगता है, उपहार मांगता है, या किसी अन्य रूप में किसी चीज को चाहता है, यानी संपत्ति पर खतरा है, तो जान माल की रक्षा के लिए किया गया कोई भी कृत्य अपराध नहीं है। आप कोई भी आपसे रिश्वत मांगता है, कोई भी भ्रष्टाचार करता है, खींच के जूते मारिए, पहले एक वीडियो बनाइए उसका, रिश्वत मांगते हुए या भ्रष्टाचार करते हुए, और उस वीडियो को आप हमें भेजिए, हम अपनी फिल्मों में उसको दिखाएंगे। और पहले उसकी डिमांड, आप डिमांड करते हुए आप उसका वीडियो बनाएं, गोपनीय
तौर पे गोपनीय रूप से, और फिर उसमें खींच के जूते मारे, इतने मारे, इतने मारे कि कम से कम वो उसकी आने वाली पीढ़ियों में 7 पीढ़ियों तक गंजे पैदा हो। कानों में इतने थप्पड़ मारे कि वो बहरा हो जाए, और वो वीडियो भी आप पूरा हमको भेजें, हम अपनी फिल्मों में चलाएंगे। ये अधिकार प्राप्त है आईपीसी में, और उसके पश्चात पिटाई लगाएं, फिर सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 43, आप उसको अरेस्ट कर लें। अरेस्ट करने का अधिकार केवल पुलिस को ही नहीं है, अरेस्ट करने का अधिकार प्राइवेट आदमी को भी है, जब्त करने का अधिकार प्राइवेट आदमी को भी है, जिस पे भी अपराध का संदेह है, कोई भी प्राइवेट व्यक्ति उसको गिरफ्तार कर सकता है। यह है धारा 43 दंड प्रक्रिया संहिता की, तो आपको उसे गिरफ्तार करने का अधिकार है, और 24 घंटे के अंदर आप उसे नजदीकी न्यायालय में पेश कर दें, उसको गिरफ्तार कर लें, और 24 घंटे में जो भी नज़दीकी अदालत हो उसमें ले जाके पेश कर दें, एक आवेदन दे दें, धारा 43 के अंतर्गत इस अपराध में हमने इसको अरेस्ट किया है। ये अधिकार केवल पुलिस को नहीं है गिरफ्तारी का, आप ध्यान रखें, ये अधिकार आपको भी है। आप भले ही प्राइवेट आदमी हैं और आप पुलिस में नहीं हैं, आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं धारा 43 के तहत, और 24 घंटे में नज़दीकी न्यायालय में पेश कर दें और एक आवेदन दे दें, उसमें सेक्शन 43 के तहत यानी धारा 43 के तहत इसको हमने इस अपराध में या इस अपराध का संदेह होने पर गिरफ्तार किया। आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, आप हमें भी भेज दें, और उसका DVD बना के सील करके पंचनामा बना करके अदालत में जमा कर दें। तो ये एक पैगाम है हमारे भारत के नौजवानों के लिए, रिश्वत से लड़ने के लिए, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए और बेरोजगारी से लड़ने के लिए। तो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, रिश्वतखोरी, इसके खिलाफ एक जिहाद, एक धर्मयुद्ध छेड़ दीजिए, और कानूनी ही तरीके से इन भ्रष्टों को मारिए। इसके लिए आपको थाने जाने की ज़रूरत नहीं है, EOW में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, हर जगह भ्रष्ट बैठा है। भ्रष्ट को बचाने के लिए ये लोग रिश्वत लेने के लिए बैठे हैं, कोई सा भी ब्यूरो हो, एक भ्रष्ट के ऊपर दूसरा भ्रष्ट बैठा है, नीचे के भ्रष्ट को बचाता है ऊपर वाला भ्रष्ट, और सबसे बड़ा भ्रष्ट होता है मंत्री, सांसद, विधायक, ये भ्रष्ट बैठे हैं। और इनके पालतू कुत्ते होते हैं अफसर, यानी एक को बचाना है तो ऊपर वाला रिश्वत खाएगा, और ऊपर वाले उसको बचाए उससे ऊपर वाला रिश्वत खाएगा, भ्रष्टाचार करेगा। इस तरह यहां पर किसी भी भ्रष्ट को और रिश्वतखोर को दंड नहीं मिलता, रंगे हाथ पकड़े जाते हैं, वो बरी हो जाते हैं इस अदालत से। ऐसे कई मामले, कई सबूत मेरे सामने, मेरी नज़र के सामने मौजूद हैं, मेरे पास फाइलें मौजूद हैं। लोकायुक्त द्वारा रंगे हाथ पकड़े गए और बाइज्जत अदालत से बरी हो गए, पर लोका